अज एक आखिरी उम्मीद जड़ी इस महान मुल्क दियां जड़ियां लोकशाही दियां महान परंपरावां जिन्हां नूं मौजूदा केंद्र सरकार भाजपा सरकार एक एक करके लगातार ना सिर्फ उन्हां दा राजनीतिकरण कर रही है बल्कि उन्हां नूं कमजोर कर रहे हैं। दिल्ली की सरकार नूं जिस तरीके नाल एक वड्डा रिलीफ मिलिया है लेकिन मैं लगता है ब्रॉडर सेंस जो आप देखते हैं देश के संविधान की स्पिरिट नूं बचाने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ियां माण मर्यादावां उसनूं अगर प्रोटेक्शन इस टाइम देश मिल रही है तो सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो मिल रही है। बिल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन 8-9 सालों तो आप देख रहे हैं मोदी साहब का जो युग शुरू होया है एक एक करके जिथे भारतीय जनता पार्टी दियां सरकारां नहीं है जिथे लोगों ने उन्होंने चुनिया नहीं लोगों ने उन्होंने इलैक्ट नहीं किया उत्थे उन्होंने चाहे वह ऑनरेबल गवर्नर ऑफिस हो चाहे लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस हो सरकार साथियों का सब तो पहला स्वागत जी आया नू पत्रकार दोस्तों अज माणयोग सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इतिहासिक फैसला आया है और ये फैसला मैं सिर्फ इस करके नहीं कह रहा कि दिल्ली की सरकार नूं जिस तरीके नाल एक वड्डा रिलीफ मिलिया है लेकिन मैनूं लगता है ब्रॉडर सेंस जो आप इहनूं देखते हैं देश के संविधान की स्पिरिट नूं बचाउण लई देश के कॉन्स्टिट्यूशन की जिहड़ियां माण मर्यादावां उसनूं अगर प्रोटेक्शन इस टाइम देश च मिल रही है तो सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो मिल रही है यानी कि अज एक आखिरी उम्मीद जड़ी इस महान मुल्क दियां जड़ियां लोकशाही दियां महान परंपरावां जिन्हां नूं मौजूदा केंद्र सरकार भाजपा सरकार एक एक करके लगातार ना सिर्फ उन्हां दा राजनीतिकरण कर रही है बल्कि उन्हें कमजोर कर रहे हैं चाहे वह फैडरल स्ट्रक्चर की गल हो राज्यां दे अधिकार की गल हो चुनिया हुई सरकारां ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल लोगों की लोगों द्वारा लोगों वास्ते चुनी हुई सरकार नूं जिस तरीके नाल माणयोग सुप्रीम कोर्ट वालों एक प्रोटेक्शन दिती जा रही है उस दिशा च अज जिहड़ा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अगवाई वाली बेंच ने फैसला दिता है जिदे च यह गल बड़ी स्पष्टता कही है बड़ी स्पष्टता नाल हालांकि ये जदों साडी जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली सी जिन्हों हैड कर रहे सी बाबा साहब अंबेडकर मैं एक आर्टिकल अज पढ़ रहा सी उन्होंने उस टाइम भी कहा सी गवर्नर जेड़े है चाहे वह लैफ्टिनेंट गवर्नर होन चाहे गवर्नर होन विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन 8-9 सालों तो आप देख रहे हैं मोदी साहब का जो युग शुरू होया है एक एक करके जिथे भारतीय जनता पार्टी दियां सरकारां नहीं है जिथे लोगों ने उन्होंने चुनिया नहीं लोगों ने उन्होंने इलैक्ट नहीं किया उत्थे उन्होंने चाहे वह ऑनरेबल गवर्नर ऑफिस हो चाहे लैफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस हो लगातार डे टू डे अफेयर्स जिहड़े सरकार दे है चुनी हुई सरकार दे
जिहड़ी इलैक्टेड गवर्नमेंट है जिहड़ी लोग आप चुनते आ जे जिहड़ी वोट दे अधिकार नाल लोग चुनते आ उस सरकार दे डे टू डे अफेयर लगातार इंटरफेरेंस वधी आ उहदे नाल ना ते सिर्फ साडे फैडरल स्ट्रक्चर नूं कमजोर किया जा रहा है नाल नाल चुनी हुई सरकार की जिहड़ी डिस्क्रीशन है जिहड़ी उहदी लिमिटेशन है उन्हूं कमजोर करके लोकां दे फतवे का मजाक भी उड़ा रहा भारत की सरकार ने लगातार उड़ाया। अज माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने एक सार्थक पहल करते हुए इतिहासिक फैसला लेंदे हुए आपां देख रहे हैं पिछले 8-9 सालां च दिल्ली च अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को एक बहुत वड्डा मैंडेट मिले चाहे 2015 की गल कर लो चाहे 20 की गल कर लो लेकिन अगर उन्होंने एक कोई डिपार्टमेंट के अफसर नू ट्रांसफर भी करना सी या किसी डिपार्टमेंट च अफसर की नियुक्ति करनी है या अपॉइंटमेंट करनी है उहदा अधिकार मोदी साहब की सरकार ने एक नोटिफिकेशन द्वारा कुछ साल पहला बिल्कुल जिहड़ा है जिहनूं खो लिया कहिंदे ना कि संविधान ने तुहानूं दित्ता अधिकार उहनूं खोया गया है। और ये छोटियां छोटियां चीज़ां जिहदे नाल वड्डे स्तर ते सरकारां फैसले लैंदियां मैं साडे माणयोग अरविंद केजरीवाल जी हुणे बोल रहे सी फॉर एग्जाम्पल एक हैल्थ सैकटरी की उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट करनी है या जिहड़ा मौजूदा हैल्थ सैकटरी आ हुण मोहल्ला क्लीनिक होण स्कूल एजुकेशन होवे उहदे च बहुत वड्डे रिफॉर्म्स कीते आम आदमी पार्टी की सरकार ने लेकिन उत्थे अगर कोई अफसर काम ठीक नहीं कर रहा कोई अफसर अपनी ड्यूटी नूं निभा नहीं रहा ठीक तरीके नाल ते सरकार चुनी हुई सरकार कोई अधिकार खत्म करता सी मोदी साहब ने कि उन्हूं तब्दील कर सकता बदल सकता नवा ला सकता लेकिन आपां पंजाब च भी देख रहे हैं और बड़े अफसोस नाल मैनूं कहना पै रहा है कि जिहड़ा सपना साडे वड्डे वडेरियां ने शहीदां ने देश नूं आजाद करवाउण वास्ते और इस संविधान नूं बनाउण वास्ते लिया सी जिहदे च रीयल सेंस च लोकां नूं पावर दित्ती आ बंदा अपनी वोट नाल अपना नुमाइंदा चुनता है नुमाइंदा अपना मुख्यमंत्री चुनता मैंबर पार्लियामेंट चुनता प्राइम मिनिस्टर चुनता है और जे उन्हूं काम नहीं कीता कर दिता जाऊगा या उहदे काम ते रोक लाई जाऊगी या डिक्टेटरशिप तरीके नाल तानाशाही तरीके नाल तानाशाही वतीरे नाल चुनी हुई सरकार के कामां च दखलदाजी की जाऊगी रोक लाई जाऊगी तो ये तो सीधा सीधा लोगों की जिहड़ा मत दा अधिकार है उहदा मजाक है उन्हूं तो तिच नहीं जाणिया और ये तानाशाही वल वध रहा सी मुल्क। मैं पहला जिहड़ी गल कही आ एक उम्मीद रहेगी इको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक उम्मीद रहेगी माणयोग अदालतां साडियां उम्मीद रहेगियां जिथों किते ना किते जिहड़ी साडी पूरी डेमोक्रेटिक प्रणाली है उन्हूं मजबूत करन च पिछले 8 साल तो अरविंद केजरीवाल जी लड़ाई लड़ रहे सी दिल्ली दे लोकां दे अधिकार की लड़ाई और अज उहदे ते मोहर लाई है और एक वड्डा मैं कहूँगा भी मैं शब्द नहीं वरतना चाहुंदा इहो जिहा कोई लेकिन केंद्र सरकार नूं हुण इह गल समझ लेनी चाहीदी आ कि इह मुल्क वास्ते भी बड़ी खतरनाक स्थिति होगी जे तुसीं चुनिया हुईआं सरकारां दे काम च दखलदाजी दिंदे हो। इह साडी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिहड़ियां है उन्हूं तुसीं खत्म करना चाहुंदे साजिश दे रहा ये तुहाडी तानाशाही आ कि जदों सरकार लोकां ने अपने मन नाल चुनी आ तुसीं उन्हां ते अपने अपने जिहड़े अधिकार अपना रोब अपनी ताकत उहदा गलत इस्तेमाल करदे होए लोकां दी ताकत नूं कमजोर कर रहे हो। सो अज माणयोग सुप्रीम कोर्ट का जिथे असी इस गल धन्नवाद भी करते हैं
कि देश दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज नू उन्होंने ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया बल्कि एक उदाहरण पेश किया और केंद्र सरकार नू करारा जवाब दिता है कि हजे भी समय निकलिया नहीं, अपना बदल लो तरीका तौर तरीका। ये देश जिहड़ा है ये डेमोक्रेटिक तरीके नाल चलूगा, तानाशाही तरीके नाल नहीं चलूगा। और अगर मोदी साहब की तानाशाही वाली सरकार, भाजपा की सरकार अगर इस तरह ही काम करूगी गां भी, तो लोग संसद तो लैके सड़क तक भी जवाब देंगे, ये भी तैयार रहें। सो अखीर च मैं माणयोग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का धन्यवाद करना, नाल नाल ओ हजारां लखां लोग जिहड़े मोटे ना मोटा ला के अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई च संघर्ष नाल खड़े सी, उन्हां दा भी असी धन्यवाद करदे। और इस लोकां दी आवाज़ नूं आम आदमी पार्टी इस तरीके नाल बुलंद करती रहेगी, उन्हां दे अधिकारां नूं बुलंद करती रहेगी।